शांति, गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में अभी हम एक मिनट साइलेंट में रहकर बाबा का आह्वान करते बाद में सोनी का दीजिए मोरली रेड करेंगे ओम शांति ओम शांति स्वर्ण कल आप स्टार्ट कर सकते हैं ओम शांति आज हम 19 10 11 की अव्यक्तवाणी पढ़ेंगे बाबा कहते हैं कोलू फादर का ब्रह्मा बाप समान व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी कर्मातीत बन मुक्ति का गेट खोलने के निमित्त बनो इस दिवाली पर हम हर एक आपस में मिलकर संस्कार मिलन की रास का संकल्प करो व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय में विजयी कर्मातीत बन मुक्ति का गेट खोलने के निमित्त और दिवाली पर संस्कार मिलन की रास का संकल्प आज बाप दादा अपने चारों ओर के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहे हैं सभी बड़े प्यार से अपनी याद दे रहे हैं इतना प्यार सिर्फ बाप को ही करते हैं यह परमात्म प्यार सिर्फ अभी प्राप्त होता है हर एक बच्चा प्यार में लवलीन है बाप भी हर बच्चे को प्यार का रेस्पोंड दे रहे हैं वाह बच्चे वाह चाहे सम्मुख है चाहे दूर है लेकिन हर एक बच्चा बाप के दिल में समाया हुआ है सबके दिल में यह गीत बज रहा है इतना प्यार करेगा कौन यह बाप और बच्चों का आत्मिक प्यार हर बच्चे को देह से न्यारा और बाप का प्यारा बनाने वाला है और यह प्यार अभी ही बच्चों को प्राप्त होता है वह यह प्यार बच्चों को क्या से क्या बनाने वाला है यह प्यार सिर्फ इस एक जन्म में प्राप्त होता है बाप भी बच्चों का स्नेह देख बच्चों की स्नेह में समा जाते हैं आज बाप दादा हर एक के मस्तक में तीन भाग्य देख रहे हैं एक बाप के स्वरूप में प्राप्त वर्षे का भाग्य दूसरा शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य और तीसरा सतगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य हर एक का मस्तक इन तीनों भाग्य से चमक रहा है बाप दादा भी अपने भाग्यशाली बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठे हैं लेकिन दिल में नजदीक हैं। ऐसे बच्चों और बाप का प्यार सारे कल्प में इस समय ही प्राप्त होता है यह प्यार का अनुभव औरों को भी करा रहे हो अभी कोई कोई लोग समझते हैं इन ब्राह्मण आत्माओं को कुछ मिला है क्या मिला है, उसका होता जा रहा है। बाप ने देखा अब इस प्लेटिनम जुबली का चारों ओर प्रभाव है और बच्चों ने भी दिल से सेवा की है और आगे भी प्लान बनाया है तो बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप वा बच्चे वाप ये पचित्रवश अपने-अपने पुरुषार्थ अनुसार करते निर्विघन बन के बनाके पहुंच गए हो। खुद भी निर्विघन बने और औरों को भी बनाया। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? बाप को सदा हर बच्चे में यही आशा है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए जैसे ब्रह्मा बाप विजयी बने ऐसे हर बच्चा सदा विजयी बने इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया फॉलो फादर तो आप सभी भी हर कदम उठाते पहले चेक करो कि यह कदम ब्रह्मा बाप ने किया ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रति चाहे जानते थे कि यह बच्चा कमजोर है पुरुषार्थ में भी सेवा में भी लेकिन कमजोर के ऊपर और ही रहम और कल्याण की भावना रही तो जैसे ब्रह्मा बाप की सबके प्रति कल्याण और रहम की भावना रही वैसे ही हम बच्चों को फॉलो पात्र करना है ऐसे ही बाप दादा सभी बच्चों को भी यही कहते अपने परिवार के हरेक भाई बहन प्रति और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी बनो बाप ने पहले भी सुनाया कि प्यार के सब्जेक्ट में हर एक बच्चा यथाशक्ति पास है प्यार के कारण ही आगे बढ़ रहे हैं अभी बाप दादा बच्चों के प्यार को देखकर खुश हैं प्यार की सब्जेक्ट के कारण हर एक बच्चा नंबर वार चल रहा है अभी बाप दादा चाहते हैं कि प्यार में कुछ कुर्बानी भी की जाती है बाप से प्यार है इसीलिए कौन सी कुर्बानी करनी है जो बाप दादा चाहता है वह समझ तो गए हो समझते हो ना बाप क्या चाहते हैं समझते हो कंध हिलाओ समझते हो तो करना है इसकी भी हिम्मत है ना है हिम्मत हाथ उठाओ हिम्मत है अच्छा तो हिम्मत बच्चे मरदे बाप है ही है अभी बाप दादा चाहते हैं रिजल्ट में देखा तो अभी तक संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है व्यर्थ संकल्प को बाबा क्या बता रहे हैं अपवित्रता का बीज। तो बाप दादा ने देखा यह व्यर्थ संकल्प चलना यह मेजोरिटी बच्चों में अब भी संस्कार रहा हुआ है एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय यह मेजोरिटी बच्चों में अब भी दिखाई देता है और व्यर्थ संकल्प का आधार है मन क्योंकि संकल्प कहाँ पर आते हैं मन में जो मन मनाभव होने नहीं देते अगर मन में व्यर्थ है तो मन बाप में लगेगा कैसे तो बाबा क्या कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प का आधार है मन और जो मन मना नहीं देता क्योंकि बाप दादा ने काफी समय से इशारा दे, दे दिया है कि जो कुछ होना है वह अचानक होना है तो अचानक के हिसाब से बाप दादा ने चेक किया मेजोरिटी बच्चों में व्यर्थ संकल्प का संस्कार है तो जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी बन तो फॉलो फादर बाप दादा ने देखा कि मन है तो आपकी रचना आपके मन के रचता हो तो मन को चलाने वाले हो मन की कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर के मालिक हो लेकिन फिर भी मन हाथ धोखा दे देता है है आपकी रचना मेरा है ना आपकी लेकिन कंट्रोलिंग पावर कम होने के कारण धोखा दे देता है बाबा कहते मन को घोड़ा भी कहा जाता है लेकिन आपके पास श्रीमत की लगाम है कितना सुंदर बाबा लौकिक से उदाहरण दे रहे हैं घोड़े और लगाम का है ना लगाम तो कभी भी अगर मन व्यर्थ संकल्प की तरफ ले जाता लगाम को टाइट करने से अपने को व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता को खत्म कर सकते हो मन के मालिक बन जैसे ब्रह्मा बाप ने रोज मन की चेकिंग की ऐसे रोज चेक करो और व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि इस व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो बुरे संकल्प कम है व्यर्थ ज्यादा है बाबा कहते, बुरे तो नहीं करते हैं पर व्यर्थ चल जाता है व्यर्थ ज्यादा है लेकिन इसमें टाइम बहुत जाता है मन के मालिक बन मन को ऐसे बिजी करो जो और तरफ आकर्षित हो जो और तरफ आकर्षित हो आपकी लगाम को ढीला नहीं करे मन को कैसे बिजी कर दो कि वो ना कहीं और जाए और उसकी लगाम को ढीला नहीं करे हो सकता है ना यह है। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प के समाप्ति का सबको संकल्प दे रहे हैं हो सकता है हाथ उठाओ जो समझते हैं व्यर्थ संकल्प की समाप्त सेरेमनी मनाएंगे व्यर्थ समय भी बचाना है समय और संकल्प दोनों को बचाना है क्योंकि बाबा समय और संकल्प दोनों को ही क्या कहता है खजाना है और खजानों को कभी भी वेस्ट नहीं किया जाता तो समय और संकल्प दोनों को बचाना है क्योंकि बाप दादा सबका चार्ट देखते हैं तो चार्ट में यह कमी मेजोरिटी में देखने आई मन के मालिक ही विश्व के मालिक बनने हैं कौन बनेगा विश्व का मालिक जो अपने मन का जो अपनी कर्म इंद्रियों का मालिक है जैसे ब्रह्मा बाप मन जीत बन विश्वजीत का, विश्व का मालिक बन गए अभी तो आपके लिए बच्चों के लिए आह्वान कर रहे हैं ब्रह्मा बाप सूक्ष्म वतन में बैठ हम बच्चों के संपूर्ण बनने का आह्वान कर रहे हैं आपकी एडवांस पार्टी भी आवाहन कर रही है सुनाया था चार बजे एडवांस पार्टी वाले भी वतन में आते हैं तो पूछते हैं कब मुक्ति का गेट खोलेंगे किसको खोलना है आप सभी मुक्ति का गेट खोलने वाले होना आपका संपूर्ण बनना अर्थात मुक्ति का गेट खुलना तो बाप दादा से एडवांस पार्टी रू रिहान करती है की कब तक और बाप आपसे पूछते हैं कब तक तो क्या जवाब देंगे पहली लाइन वाले बोलो कब तक हर कार्य के लिए डेट फिक्स करते हो ना तो इस कार्य की डेट कब तक ब्रह्मा बाप तो फरिश्ते रूप में आवाहन कर रहे हैं बता सकते हो डेट बोलो डेट फिक्स कर सकते हो अभी डेट फिक्स है पांडव हाथ उठाओ डेट फिक्स है नहीं है क्यों दीदी कहती हैं बाबा हम लोगों को लगन थी घर जाना है घर जाना है घर जाना है दीदी कहती हैं हमको लगन थी कर्मातीत होना है कर्मातीत होना है तो आप सभी का तो दीदी दादी से प्यार है ना है तो सभी से क्योंकि जो भी एडवांस पार्टी में गए हैं उन सभी से आपका प्यार तो है आ अभी उसके प्रश्न का उत्तर दो कौन से प्रश्न का उत्तर आखिर कब तक तो आपस में रूरी हान कर अब कुछ जवाब तैयार करना बाबा पूछ रहे हैं करेंगे आज तो डबल फोर्नर्स के मिलने का दिन है ना तो डबल फोरनर्स भी आपस में राय करके डेट बताना और भारत वाले भी इस पर चर्चा करके बताना है जवाब हाँ बोलो बोलो जो बोले जब मोहिनी बहन बाबा डेट आप बाबा डेट आप फिक्स करिए मोहिनी बहन योग की क्या कह रही हैं बाबा आप डेट फिक्स करिए हम लोग एवर रेडी हैं नहीं आप फिक्स करो ना बाबा फिर क्या कहते हैं आप फिक्स करो ना प्यार आपको होना है ना बाप तो कहेगा कि इस दिवाली पर दिवाली करो एवर रेडी एवर रेडी कहेंगे जल्दी है इसीलिए कहते हैं आप बताओ डॉक्टर निर्मला बहन ने कहा बाबा एक साल दो अच्छा इसमें शामिल हो यह कह रही है एक साल जो समझते हैं एक साल वह हाथ उठाओ बड़ा हाथ उठाओ अच्छा एक साल वालों का नाम नोट करो अच्छा है दूसरे सब मुस्कुराते हैं बोलो निर्वीर भाई ने कहा नेवर अभी या कभी नहीं आज अभी होना है तो ताली बजाओ अच्छा बहुत अच्छा तो अभी अभी सभी अपने मन में यह प्रोमिस करो कि कभी भी व्यर्थ संकल्प आने नहीं देंगे यह हो सकता है अभी से कहते हैं नाउ और नेवर तो कम से कम यह सब प्रोमिस करते हैं कि अभी से ना व्यर्थ संकल्प ना व्यर्थ समय गमाएंगे इसमें तो तैयार है वह इसमें जो तैयार है वह हाथ उठाओ मेजोरिटी ने हाथ उठाया है जो समझते हैं कि टाइम लगेगा वह हाथ उठाओ कोई नहीं वह थोड़े हैं जो कहते हैं हाथ उठा रहे हैं थोड़े थोड़े अच्छा तो इस दिवाली पर यह एक दृढ़ संकल्प करना जिन्होंने मेजोरिटी ने हाथ उठाया है वह स्वाहा करना क्या स्वाहा करना व्यर्थ संकल्प इसीलिए आप सब की तरफ से दृढ़ संकल्प के लिए आज केक काटेंगे पसंद है ना आज का केक इस दृढ़ संकल्प का सूचक है कौन सा दृढ़ संकल्प कि व्यर्थ संकल्प आने नहीं देंगे और आ भी जाए तो बाबा को सौंप देंगे पसंद है ना तो आज का केक इस दृढ़ संकल्प का सूचक है क्योंकि सभी चाहते हैं अज्ञानी भी चाहते हैं कि अब कुछ होना चाहिए अब कुछ होना चाहिए लेकिन ताकत नहीं है आप बच्चों में तो संकल्प को पूर्ण करने की ताकत है फोलो फादर है ना? तो बाबा क्या कह रहे हैं आज का केक इस दृढ़ संकल्प का सूचक है क्योंकि सभी चाहते हैं अज्ञानी भी चाहते हैं कि अब कुछ होना चाहिए अब कुछ होना चाहिए लेकिन ताकत नहीं है आप बच्चों में तो संकल्प को पूर्ण करने की ताकत है फोलो फादर है ना ब्रह्मा बाप का जन्म भी दृढ़ संकल्प से हुआ है करना है सोचेंगे नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं करना है उस एक दृढ़ संकल्प ने इतने बच्चों का भविष्य बनाया एक ब्रह्मा बाप ने कितने हिम्मत रखी आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा आधा हिस्सा माना जो बाबा के पार्टनर थे सेवक सेवक राम उन्होंने आधा हिस्सा खुद रखा और बाबा को सारी ज्वेलरी दे दी खुद कैश रख लिया तो बाबा क्या कह रहे हैं आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा यज्ञ के ब्राह्मण रचे और अब देश विदेश की आत्माएं पहुंच गई हैं एक ब्रह्मा बाप के दृढ़ संकल्प के कारण तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता संकल्प करते हो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं लेकिन उसमें दृढ़ता कम होती है कोई बात सामने आई आई ना तो दृढ़ता कम हो जाती है दृढ़ता सफलता की चाबी है तो बाबा क्या कहना चाहते हैं कोई भी बात आए आपका संकल्प हमेशा दृढ़ रहे क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है देखो दिल्ली वालों ने दृढ़ संकल्प किया करना ही है हो गया ना सोचेंगे देखेंगे यह नहीं किया सबका दृढ़ संकल्प बने जैसे निमित बने, यह बच्ची, बच्चे, लेकिन सबका सहयोग और दृढ़ संकल्प उसने प्रैक्टिकल सफलता लाई इसमें सबने साथ दिया और एक मत हुए हाना हाना नहीं एक दृढ़ मत हुई तो दृढ़ता में इतनी शक्ति है जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो दृढ़ संकल्प का बीज डालना माना मुझे करना ही है मैं कर सकती हूँ मैंने कल पहले भी इसे किया था और मुझे सफलता मिली थी ये सब क्या है दृढ़ संकल्प का बीज डालना उसका फल निकलना ही है यह इतना पचित्र वर्ष कैसे बीते ब्रह्मा बाप और बच्चों के साथ ने दृढ़ संकल्प से 75 वर्ष पूरे किए उमंग उसा से बढ़ते बढ़ाते रहे तब यह 75 वर्ष पूरे किए अब यह संकल्प करो आज व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा तो बाबा क्या कह रहे हैं व्यर्थ समाप्त होगा तो श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा तो कमाल दिख... देखने के लिए हमें क्या करना है व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय को समाप्त करना है तो आज डबल फोर्नर्स का विशेष मिलन दिवस है बाप दादा खुश हैं डबल विदेशी बच्चे चारों ओर डबल सेवा अच्छी कर रहे हैं एक स्वयं का पुरुषार्थ और दूसरा आत्माओं की सेवा दोनों बातों में हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं बाप दादा इस डबल सेवा की मुबारक दे रहे हैं मुबारक हो मुबारक हो आज विशेष इन्हों का दिन है तो इन्हों को मुबारक दे रहे हैं मुबारक आपको भी है भारत वालों को भी मुबारक है जैसे दिल्ली में निमित बने ना ब्रिज मोहन आयशा निमित बने और इन्हों के साथ मददगार थी गुप्त रूप में में गुलजार बच्ची। शायद दिल्ली में उन दिनों कोई प्रोग्राम हुआ है जिसको बाबा याद कर रहे हैं और एक मत हांजी हांजी करने में सारी दिल्ली में उमंग रहा और प्रैक्टिकल किया हा ना नहीं किया करना ही है तो यह एक मत होना सफलता। सफलता बच्चों का हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है उसको यूज करो अलबेले नहीं बनो हो जाएगा कर लेंगे यह नहीं सोचो करना ही है यह है ब्राह्मणों की भाषा तो बाप दादा वैसे तो सभी बच्चों पर खुश हैं लेकिन आज दिल्ली वालों ने भी कमाल दिखाई बाप दादा ने देखा कि गवर्नमेंट के विशेष लोग जो निमित है उनकी उनको अच्छी तरह से संदेश पहुंच गया कि ब्रह्मा कुमारिया जिसके लिए समझते थे यह क्या करेंगी कुछ गलत फहमी भी थी लेकिन यह पचहत्तर वर्ष का सुन के अभी यह समझते हैं ये जो चाहे वह कर सकते हैं इसीलिए जो भी निमित है गवर्नमेंट में उनो तक आवाज अच्छा पहुंचा है यह कमाल है एक मत की तो बाबा यहाँ पर एक मत की महिमा सुना रहे हैं कि जहाँ एक मत है वहां पर सफलता है ही है और हमें क्या करना है बड़ों ने जो हमें ऑर्डर दिया जो बात कही उसमें हांजी करनी है तो बाप दादा डबल विदेशियों को देख खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं और डबल सेवा की तरफ से अटेंशन अच्छा है सिर्फ बाप दादा यह इशारा फिर भी दे रहे हैं कि आपस में क्या करो संस्कार मिलन की रास करो यह नहीं सोचो सेंटर तो अच्छा चल रहा है सर्विस तो अच्छी हो रही है लेकिन जब एक परिवार है प्रभु परिवार है लौकिक परिवार नहीं प्रभु परिवार है प्रभु परिवार का अर्थ ही है एक दो में शुभ भावना कल्याण की भावना एक दो में यही संकल्प रहे कि हम सभी साथ साथ एक दो को आगे बढ़ाते मुक्ति का गेट खोलने खोल के साथ जाना ही है तो क्या संकल्प रहे हम सभी साथ साथ एक दो को आगे बढ़ाते मुक्ति का गेट खोल के साथ जाना ही है इसीलिए हर सेंटर में ऐसा वायुमंडल हो जो समझ में आवे ये आठ नहीं दस नहीं लेकिन दस ही एक है अभी संस्कार मिलन की रास हर एक अपने मन में दिवाली में संकल्प करो एक भी आत्मा एक दो से दूर नहीं हो क्योंकि जब माला होती है तो क्या होता है हर दाना दूसरे दाने के अति करीब है तो बाबा भी हमें क्या कहता है तुम्हें विजयी माला का मन का बनना है तो हमें संस्कारों में एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलकर काम करना है तो बाबा कहते एक भी आत्मा एक दो से दूर नहीं है सब एक हो इस दिवाली पर संस्कार मिलन की रास करना मन में दृढ़ संकल्प करना कि एक भी मेरे से भारी नहीं हो सब हल्के मेरे किसी भी संस्कार की वजह से कोई भी आत्मा बोझिल नहीं होनी चाहिए संस्कार नहीं मिलते हैं तो भारी होते हैं तो बाप समझते हैं कि इस संकल्प से गेट का दरवाजा खोलने के लिए जल्दी तैयार हो जाएंगे चेक करो कोई भी हमारे से नाराज नहीं लेकिन भारी भी नहीं होना चाहिए हो सकता है यह हो सकता है कांदी लाओ हो सकता है हो सकता है हाथ उठाओ तो इस दिवाली पर अच्छी रौनक हो जाएगी तो बाबा ने हमें आज की मुडली के हिसाब से तीन काम दिए व्यर्थ संकल्प नहीं करो समाप्त करो व्यर्थ समय नहीं गवाओ और तीसरा संस्कारों की रास करो हमारी वजह से कोई भी भारी ना हो डबल फोर्नर्स बाप दादा दिल में रोज डबल फोर्नर्स को इमर्ज करते हैं क्यों क्यों इमर्ज करते हैं क्योंकि डबल फोरनर्स निमित बने हैं। सारे विश्व में बाप का नाम बाला करने के लिए किस बात की किस बात पर? कि जब यह भारतवासी नहीं है, हैं, इन्होंने अपना भाग्य बना लिया तो हम क्यों रह जाए यह प्रेरणा इस दिल्ली के प्रोग्राम से भारत में अच्छी फैली है इसीलिए बाप दादा सेवा के निमित्त आप सभी को इमर्ज करते हैं भारत को जगाएंगे जगा रहे हैं और आगे भी ऐसे वीआईपी तैयार करेंगे जो भारत को जगाएंगे क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं जो डबल फोर क्या करेंगे भारत के सोए हुए उनको जगाएंगे उनका अनुभव भारत वालों को जगाएगा बाप दादा को याद है शुरू शुरू में बहुत वीआईपी ले आते थे प्रोग्राम्स करते थे अभी यह सेवा नहीं है ऐसे वीआईपी तैयार करो जो स्टेज पर अपना अनुभव सुनाए अभी ज्यादा कल्चरल दिखाया अनुभव भी सुनाया लेकिन थोड़ा टाइम था अभी ऐसे वीआईपी ले आओ जो भारत वालों की तकदीर को जगाएं अभी भी जो फॉरनर्स और भारत की सेवा इकट्ठी की उसका भी प्रभाव अच्छा रहा आप मिलके सेवा को बढ़ाते चलो और मुख्य बात अपने को हर एक चाहे भारतवासी चाहे जल्दी जल्दी ऐसे संपन्न बनाओ जो आप सबकी संपन्नता मुक्ति का गेट खोल दे हम संपन्न बनेंगे तो क्या होगा मुक्ति का गेट खुल जाएगा अच्छा नब्बे देशों से चौबीस सौ डबल विदेशी आए हैं उसमें छह सौ नए भाई बहन आए हैं मुबारक हो बाप दादा को खुशी है बिछड़े हुए बच्चे आज अपने परिवार और बाप से मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा अभी सभी को तीव्र पुरुषार्थी बनना पड़े क्योंकि थोड़े समय में नंबर आगे लेना है तो तीव्र पुरुषार्थी बन आगे से आगे बढ़ते चलो फिर भी मुबारक है जो पहुंच गए हैं बाप दादा एक एक को देख हर्षित हो रहे हैं अभी बहुत है याद की यात्रा अपने को संपन्न बना के आगे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे और आगे हो सकते हैं पीछे पीछे आने वाले भी पीछे नहीं रहना आगे बढ़ना अच्छा ग्लोबल हॉस्पिटल के 20 साल पूरे हुए हैं हॉस्पिटल ने अनेक आत्माओं को परिवार में लाया है आबू की हॉस्पिटल के बाद लोगों में यह वाइब्रेशन जो था ये पता नहीं क्या करते हैं अभी यह सोचते हैं यह डबल सेवा कर रहे हैं शरीर के लिए भी तो आत्मा के लिए भी डबल पार्ट बजा रहे हैं इसके लिए जहां भी सेवा कर रहे हो सेवा की मुबारक है मुबारक है बाप दादा को अच्छा लगता है कि डबल डॉक्टर बने हैं शरीर के भी तो आत्मा के भी डबल सेवाधारी बने हैं किसके स्वयं की भी सेवा करते और दूसरों की भी करते अभी हर एक बच हर एक और भी आगे बढ़ते रहना अच्छा अच्छा है सेवा में अच्छे हैं अच्छा चारों ओर के चाहे सामने बैठे हैं चाहे कहां भी बैठे हैं लेकिन सबका अटेंशन मधुबन में है बाप दादा को देख रहे हैं मेजोरिटी तो देख ही रहे हैं बाप दादा भी सभी बच्चों को चारों ओर के बच्चों को सदा हर्षित रहने का सदा डबल पुरुषार्थी डबल पुरुषार्थी अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ में भी और सेवा के पुरुषार्थ में ऐसे डबल डबल पुरुषार्थी और और नशे में रहने वाले सदा बाप के साथ रहने वाले सदा आपस में भी कल्याण और रहम की शुभ भावना में रहने वाले एक एक बच्चे को नाम सहित बाप दादा दिल की याद प्यार दे रहे हैं लेकिन आज की बात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति की भूल नहीं जाना फिर बाबा स्टार्टिंग वाली बात पे आ गए। बाप दादा के पास ओम शांति दीदी जी हम यही रुकते हैं बाकी का पार्ट होमवर्क के लिए लेंगे। ओके ओम शांति जी ओम शांति अभी हम एक मिनट साइलेंस में रहते हैं साथ साथ पोल भी लॉक करेंगे ओम शांति अभी हम मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं ओम शांति भाई जी आज प्यारे बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प नहीं करना व्यर्थ समय नहीं कमाना और संस्कार मिलने की राश करनी ताकि हमारे से कोई भारी ना ओम शांति ओम शांति आज प्यार का सागर बाबा ने हमें खुशी का खुराक खिलाया बाबा बोले हर एक बच्चा चाहे सन्मुख है चाहे दूर है लेकिन बाप के दिल में समाया हुआ है हर एक बच्चा बाप के दिल में समाया हुआ है यह बाप और बच्चों का आत्मिक प्यार देह से न्यारा और बाप का प्यारा बनाने वाला है ओम शांति बाबा ओम शांति। ने बोला कि व्यर्थ संकल्प अपवित्रता का बीज है व्यर्थ संकल्प मनमनापन होने नहीं देता और बाबा ने इसके व्यर्थ संकल्पों को एक घोड़ा मन को एक घोड़ा से बताया है और इस पर श्रीमत की लगाम लगा कर व्यर्थ को समर्थ में बदलना है हिम्मत मदद ओम शांति ओम जैसे बाबा ने आज कहा है कि व्यक्त संकल्प पवित्रता तो का बीज है तो क्या होता है कि ये? जैसे वो गियर की साइकिल में रहती है एक एक गियर उसमें शिफ्ट होता है बड़ा रहता है उस रीति से पहले व्यर्थ संकल्प आता है तो धीरे 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 विकारी संकल्प तरफ जाता है तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प ही अपवित्रता का बीज है तो आप कैसे व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करते हैं या व्यर्थ संकल्प न आए इसलिए आप क्या करते हैं या और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं ओम शांति ओम शांति जो बाबा ने आज कहा ना कि व्यर्थ संकल्प का बीज तो व्यर्थ संकल्प का अनेक मतलब कई सारे रीजंस होते हैं आने के तो उसमें से मेन तो यही बात मुझे रखते मना मैं खुद भी दृढ़ता क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है दृढ़ता से हमें अगर आते हैं फॉर एग्जांपल तो कुछ समय के बाद वो दृढ़ संकल्प करना कि नहीं बाबा ने कहा है नहीं। उसको स्टॉप करना है तो दृढ़ता से उसको स्टॉप करना हर हालत में ये मेन अभ्यास हम करते हैं क्योंकि आना तो कभी कभी इस जैसे बाबा ने कहा ना कई संस्कार होते हैं ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ रीजन आते हैं और मन में संकल्प क्रिएट स्टार्ट होते हैं लेकिन जब तक हम उस बात को ऐसे नहीं कि उसे लाइट ले लेना कि नहीं आते तो आने दो लेकिन नहीं, उसको फुल स्टॉप करने का अभ्यास करना और किसी भी हालत में किसी भी विधि से तभी वो, वो संकल्प को हम स्टॉप कर सकते हैं चाहे कुछ भी अभ्यास करो भले थोड़ा सा उस जगह से हट जाओ या तो कुछ एकांत में जाओ या तो कुछ लिखो कुछ भी करो लेकिन उस संकल्प को फुल स्टॉप लगाना ओम शांति और भी कोई अपना शेयर कर ओम शांति बहुत अच्छा भाई साहब आज सुबह अमृत वेले ही ना दो ऐसे संकल्प आए तो मैंने उनको फोन किया कि हम नौ बजे के बाद बात करेंगे ये भी एक विधि है वो फिर दोबारा ना वो आते नहीं है कोई भी ऐसे एक दो ऐसे थॉट्स आए मैंने कहा नौ बजे के बाद डिस्कस करेंगे अपने मन को ही कहा तो दूसरा होता है कंपार्टमेंट। आई मीन मन को वाकई में और अपने को इतना बिजी रखो होमवर्क दे के रखो क्योंकि तो होमवर्क तो, तो बड़े आते हैं तो फिर उस समय जो है जब हम बिजी रहते हैं तो इम्पोर्टेंस यहाँ जाती है जैसे भाई साहब ने कहा ना कि अटेंशन 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 तो रखेंगे ध्यान बिजी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है सफलता इसमें आती जाएगी

में और दूसरों को शवा में डेवल, डेवल हुआ ओम शांति ओम शांति आज प्यारे बाब दादा ने ये भी बताया कि आपस में संस्कार मिलन की रास करो बाबा कहते हैं कि जब एक परिवार है प्रभु परिवार है लौकिक परिवार नहीं प्रभु परिवार है बाबा ने कहा प्रभु परिवार का अर्थ ही है कि एक दो में शुभ भावना कल्याण की भावना और एक दो में यही संकल्प रहे कि हम सभी को साथ साथ एक दो के आगे बढ़ाना है फिर बाबा ने कहा कि इसमें भी मन में दृढ़ संकल्प करना कि एक भी मेरे से भारी नहीं हो सब हल्के हो तो इसके लिए बाबा ने कहा कि चेकिंग करो कि कोई भी हमारे से नाराज नहीं लेकिन भारी भी नहीं होना चाहिए तो इसके लिए भी बाबा ने हाथ उठाए ओम शांति ओम शांति व्यर्थ के लिए बाबा जैसे हमेशा कहते हैं जैसे भी भाई ने कहा कि मन का टाइम टेबल बना के रखना होगा तो बिजी रहेगा तो इधर उधर नहीं भागेगा दूसरा व्यर्थ का मेजर कारण होता है पर दर्शन पर चिंतन तो उसको हमें विजिलेंट रह के कंट्रोल करना होगा ध्यान देना होगा उस पर जब भी मन पर की तरफ भागे उसको हमें स्व में घुमाना होगा पर दर्शन से हमें स्वदर्शन की तरफ उसको लेकर आना होगा दूसरा एक तीसरा एक पॉइंट की पावरफुल ब्रेक और अगर कभी हमें लगता है हम ब्रेक व्यर्थ पे नहीं लगा पा रहे तो बाबा ने विधि बताई है यू टर्न तो हमें अपने व्यर्थ विकल्पों को चेंज करके उनको शुभ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प और यू टर्न करके उसको समर्थ की तरफ लेकर जाना होगा जिसके लिए हम कोई बाबा की मुरली उठा सकते हैं या कोई भी ड्रिल स्टार्ट कर सकते हैं या कोई क्लास भी चला सकते हैं तो इस तरीके से व्यर्थ को स्टॉप कर सकते हैं शांती। ओम शांति ओम शांति बाबा ने मुरली में ही मेरी आवाज आ रही भाई हाँ जी आ रही है हाँ बाबा ने मुरली में ही कहा है कि मन के मालिक बन मन को ऐसे बिजी करो जो और तरफ आकर्षित आकर्षित हो और आपकी लगाम को ढीला नहीं करे शांति, शांति। अमृत के लिए ही टाइम टेबल बनाए पूरा सुदर्शन चक्र चलाना है या फिर मुरली का अभ्यास करना है तो इस तरह से अपना सुबह ही टाइम टेबल बन जाए तो फिर दृढ़ संकल्प कम आएंगे ओम शांति ओम शांति अभी टाइम भी हो रहा है तो सोनिका दीदी जी हमें योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे सोनिका जी अभी अवेलेबल नहीं है आप कोई और करा लीजिए योग ओके और कोई योग कराना चाहेगा दो मिनट ठीक है ओम शांति स्वयं को आत्मिक स्मृति में स्थित करे ब्रुकुटी के बीच चमकता हुआ मैं अजब सितारा मुझ आत्मा से पूरे देह में प्रकाश की किरणें फैल रही है और ये साकार शरीर लोप होकर आकारी शरीर में परिवर्तन हो गया अब मैं आत्मा एक सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने पहुंच जाती हूँ और ब्रह्मा बाबा से रूर करती करती बाबा जो आपने डेट फिक्स करने के लिए बोला है आज सारे दिन में मनन चिंतन करके अच्छे से एक डेट फिक्स करेंगे और उस डेट पर संपन्न और संपूर्ण बनने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे बाबा ने सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया बच्चे सफलता मुहूर्त भवो विजयी रत्न भवन इस वरदान को प्राप्त करते ही ये स्वरूप भी लोप होकर रह गई मैं मैं एक आत्मा मैं आत्मा पहुंच जाती हूं। अपने मीठे घर परमधाम देखे कल परृक्ष की जड़ों में बाबा के साथ कंबाइंड अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में वहां से शक्तियों की पवित्रता की किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैला रही है ओम शांति ओम शांति तो आज हम होमवर्क यही लेते हैं कि हमें पूरे दिन में ये चेक करना है एक टाइम निकाल कर कि हम अपने संपन्न और संपूर्णता की क्या डेट फिक्स करेंगे छ महीना एक साल कोई तो डेट हमें फिक्स करना पड़ेगा और दूसरा आज हम होमवर्क लेते हैं कि जीरो वेस्ट पॉलिसी माना हम कोई भी समय और संकल्प व्यर्थ नहीं गवाएंगे ये हम दृढ़ संकल्प आज लेते हैं पूरे दिन के लिए और चेक करेंगे हम कितना सफल रहते हैं तो सभी का मन चिंतन बहुत अच्छा रहा सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो ओम शांति गुड मॉर्निंग हैव अ ग्रेट डे Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Have a good day Shanti. to all.